मध्य प्रदेश में नेहा सिंह राठौर के काबा गाने का खुलकर हुआ विरोध। जी हाँ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा सीएम को कंस मामा और शकुनी मामा कहा गया। इस निंदनीय घटना की इंदौर भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी किरण पाटीदार व भाजपा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा इंदौर ग्रामीण की किरण सूर्यवंशी व अन्य पदस्थ पदाधिकारियों ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नेहा राठौर पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि शिवराज सरकार महिलाओं व परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है। वंदे भारत न्यूज के लिए इंदौर से सुनीता जोशी की रिपोर्ट। के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे हम लोग? देखिए, हम तो सब विरोध कर रहे हैं कि ऐसी सोशल भर्ती जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हम उसका तिरस्कार करते हैं और हम तो उनको कहते हैं कि अगर देखना है तो मध्य प्रदेश आए, जरा लाडली बहना का फॉर्म भरे और ये यहाँ पर आकर जरा उसका लाभ ले। सब समझ में आएगा कि बहनों को क्या मिल रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार बहनों को कितना दे रही है, ये आकर जरा यहाँ देखें। दादा, लेकिन बेटी का जन्म उत्सव बने, उत्साह बने। बेटी अबला नहीं, सबला है, शक्ति है, संस्कार है। ये अधिकार सम्मान से जीने का इस मध्य प्रदेश की धरती पे किसी ने प्रदान किया है तो वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हम सब जानते हैं बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उनके हाथ पीले करने तक से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की कई योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का काम हमारे लाडले भैया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। फिर उसके बाद लाडली बहनाओं के लिए बहना योजना जो बनाई उसके माध्यम से प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। यही नहीं, हमें आरक्षण की बात करें, महिलाओं को हम पहली बार मध्य प्रदेश की इस धरा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण मातृ शक्ति को दिया। मैं खुद जिला पंचायत के अध्यक्ष मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया, इस योजना से बहनों को सशक्त बनाया, समाज में उनका स्तर बढ़ाया। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि बहनें अपने परिवार पे आर्थिक रूप से डिपेंड रहती थी, तो उस डिपेंडेंसी को उनने किसी हद तक खत्म किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंदौर शहर और ग्रामीण के सहयोग से लाडली बहन का एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। और संगठन में भी ये निवेदन करेंगे कि इसके लिए लीगल एक्शन लिया जाए ताकि आगे भी भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे वाले व्यक्तियों के लिए